वेलकम स्टूडेंट्स, आज जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मोस्टली जितने भी हमारे शरीर के कैरेक्टर्स होते हैं या लक्षण होते हैं, दे आर गवर्न बाय द न्यूक्लियर जीन्स। हमारे डीएनए यानी कि हमारे केंद्रक के अंदर उपस्थित डीएनए का जो कुछ भाग होता है वो हमारे न्यूक्लियर जीन्स कहलाते हैं, और ये न्यूक्लियर जीन्स जो हैं वो हमारे विभिन्न प्रकार के लक्षणों को बनाते हैं। एक डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट जो कि जीन कहलाता है, ये मैसेंजर आरएनए को बनाता है, और मैसेंजर आरएनए जो है वो अपने आप को प्रोटीन बना करके व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से मुख्यतः जितने भी लक्षण होते हैं उनका निर्धारण न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा होता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर इनहेरिटेंस यानी कि आनुवंशिकता जो है वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर या कोशिका द्रव्य कारकों या जिन्हें हम प्लाज्मोजीन्स कहते हैं के द्वारा गवर्न की जाती है या प्लाज्मोजीन्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस तरीके की जो इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता होती है उसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या अगुणसूत्रीय लक्षण या अनुवांशिकता जो है वो मेंडल के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है, और इन्हीं के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। संतान के अंदर अगुणसूत्र जीन या प्लाज्मोजीन जो है वो माता द्वारा या मदर के द्वारा दे आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के द्वारा मियोसिस डिवीजन के दौरान प्रदान किए जाते हैं। सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि संतान के अंदर जितना भी कोशिका द्रव्य होता है वो माता के द्वारा दिया जाता है। ओवा इट गिव्स इट्स साइटोप्लाज्म टू द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग। द साइटोप्लाज्म इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय द मेल गैमेट। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले कॉनन्स ने 1909 के अंदर फोर ओ क्लॉक प्लांट, जिसे मिराबिलिस जलापा कहते हैं, के अंदर लीफ कलर यानी कि पत्तियों के रंग के लिए उत्तरदायी माना या उसमें ऑब्जर्व किया। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है ये मैटरनल इफेक्ट शो करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संतान के अंदर कोशिका द्रव्य जो है वो माता के द्वारा दिया जाता है, तो जितना भी प्रभाव होता है वो माता के लक्षणों का प्रभाव होता है, यानी कि जिस प्रकार की मदर होती है उसी प्रकार का प्रभाव उनकी संतानों के अंदर दिखाई देता है। इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिस्टिंक्ट मैटरनल इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व। दिस इज मेनली ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू द जायगोट बाय द फीमेल पेरेंट देन द मेल पेरेंट। जनरली ओवम कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर साइटोप्लाज्म टू द जायगोट देन द स्पर्म। जैसा कि मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म जो है वो मुख्यतः ओवम के द्वारा दिया जाता है, न कि स्पर्म्स या शुक्राणुओं के द्वारा। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है वो मैटरनल इफेक्ट शो करती है। सेकेंड इज रेसिप्रोकल डिफरेंस। द कैरेक्टर्स विच आर गवर्न बाय साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इनवेरिबली एग्जिबिट मार्क डिफरेंस इन द रेसिप्रोकल कोर्सेस इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के विपरीत, जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस होते हैं F1 जनरेशन के रेसिप्रोकल क्रॉसेस होते हैं, उनके जो रिजल्ट आते हैं या परिणाम आते हैं उनसे विपरीत परिणाम जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर देखे जाते हैं। सो रेसिप्रोकल क्रॉसेस के अंदर वी कैन सी द डिफरेंस इन द F1 जनरेशन इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। मैपेबिलिटी। न्यूक्लियर जीन्स कैन बी ईजिली मैप ऑन क्रोमोसोम्स, बट साइटोप्लाज्मिक जीन्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड एज ईजिली। न्यूक्लियर जीन्स जो है वो उनको हम क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर जीन्स के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम ईजिली मैप बना सकते हैं या मैप बना करके दर्शा सकते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक जीन जो है उनका मैप बनाना बहुत डिफिकल्ट है। नॉन मेंडेलियन सेग्रीगेशन। जैसा कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर एक टिपिकल सेग्रीगेशन पैटर्न दिखाई देता है, जब भी गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो
दो अलग अलग क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अलग अलग गैमेट्स या युग्मक के अंदर जाते हैं। ये सेग्रीगेशन पैटर्न जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो एक सोमेटिक सेग्रीगेशन पैटर्न शो करता है। जो भी कैरेक्टर साइटोप्लाज्मिक जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं उनके अंदर सोमेटिक टिश्यू बनते टाइम, यानी कि कायिक उत्तक बनते टाइम जो कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन या जीन्स का सेग्रीगेशन होता है या जीन्स का पृथक्करण होता है। कैरेक्टर्स विच आर गवर्न्ड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन्स यूजुअली एग्जिबिट सेग्रीगेशन इन सोमेटिक टिश्यू सच एज लीव वेरिगेशन एक्सेट्रा एंड सच सेग्रीगेशन इज वेरी रेयर फॉर द न्यूक्लियोजेंस। इस तरीके न्यूक्लियर जीन्स, इस तरीके का जो सेग्रीगेशन पैटर्न है वो, या सोमेटिक सेग्रीगेशन का जो पैटर्न है वो न्यूक्लियर जीन्स के अंदर एग्जिबिट नहीं करता है। साइटोप्लाज्मिक ट्रेट्स दे जनरली शो द इन्फेक्शन लाइक ट्रांसमिशन। साइटोप्लाज्मिक ट्रेट्स इन सम ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इन्फेक्शन पैटर्न, उसी तरीके से ट्रांसमिट होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन या किसी प्रकार का रोग ट्रांसमिट हो रहा है। गवर्न्ड बाय प्लाज्मा जीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को जो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाते हैं उन्हें हम प्लाज्मा जीन्स कहते हैं। तो प्लाज्मा जीन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कैरी करते हैं एंड दे आर बेसिकली गवर्न्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हर आपको ये जानकारी होगी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं उनका अपना एक खुद का डीएनए होता है एंड दिस डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, स्व प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। तो इस तरीके की जो कैरेक्टर्स हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है दे आर थॉट टू बी कैरीड बाय साइटोप्लाज्मिक और द क्लोरोप्लास्टिक डीएनए और द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ऐसे उदाहरण जिसके अंदर हम मैटरनल इफेक्ट्स को इजीली देख सकते हैं, जैसा कि कॉलिंग पैटर्न ऑफ शेल इन स्नेल। स्नेल्स के अंदर कॉलिंग पैटर्न जो है वो दो प्रकार से देखा जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो एक इफेक्ट है जिसे मैटरनल इफेक्ट कहते हैं उसके कुछ उदाहरण हम घोंघे या स्नेल जिसे लेमनिया भी कहते हैं उनके अंदर देख सकते हैं। लेमनिया के अंदर जो कॉइलिंग पैटर्न है शेल का उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को क्लियरली देखा जा सकता है। लेमनिया के अंदर दो प्रकार जो कुंडलन है वो दो प्रकार से होता है, एक डाईओर कुंडलन जिसे हम डेक्स्ट्रल कॉइलिंग कहते हैं तथा बाईओर कुंडलन जिसे हम सिनिस्ट्रल या लेफ्ट कॉइलिंग कहते हैं। दोनों प्रकार की कॉइलिंग जो है विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के जीन द्वारा निर्धारित होती है। डेक्स्ट्रल कुंडलन के लिए प्रभावी जीन जो है उसे हम कैपिटल डी द्वारा डिनोट करते हैं और सिनिस्ट्रल कुंडलन के लिए जो अप्रभावी जीन है उसे हम स्मॉल डी द्वारा डिनोट करते हैं। दोनों प्रकार के स्पीसीज के अंदर अगर हम संकरण या इन ब्रीडिंग कराएं तो हम देखने के ऊपर हमें जो जीनोटाइप मिलता है वो कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी या हेट्रोजाइगोट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि डेक्स्ट्रल इफेक्ट शो करता है। ये डेक्स्ट्रल इफेक्ट जो है ये मैटरनल जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मादा अगर डेक्स्ट्रल फीमेल है तो डेक्स्ट्रल फीमेल को सिनिस्ट्रल मेल के साथ में क्रॉसिंग करवाने पर जितने भी बनने वाले ऑफस्प्रिंग होंगे F1 जनरेशन के अंदर वो सभी डेक्स्ट्रल डेक्स्ट्रल कॉइलिंग शो करते हैं शेल के लिए। इस डेक्स्ट्रल कॉइलिंग वाले शेल्स को अगर हम F2 जनरेशन के अंदर देखते हैं तो बनने वाले सभी जीव या सभी ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो पुनः डेक्स्ट्रल होते हैं, जबकि स्मॉल डी होमोजाइगस जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर सिनिस्ट्रल इफेक्ट देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभी जो संततियाँ हैं वो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग वाली दिखाई देती है जो कि एक स्पष्ट मैटरनल इफेक्ट को शो करता है। F3 जनरेशन के अंदर पुनः जीन का प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर कॉइलिंग के अंदर डिले होता है और बनने वाले जो जीव हैं उसके अंदर कुछ डेक्स्ट्रल
कॉइलिंग वाले और कुछ सिनेस्ट्रल कॉइलिंग वाले जीव देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मेटरनल इफेक्ट को शो करने के लिए अगर हम सिनेस्ट्रल फीमेल लेते हैं जिसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल डी होता है और इसकी हम रेसिप्रोकल मेटिंग करवाते हैं, इसकी मेटिंग जो है हम डेक्सट्रल मेल के साथ में करवाते हैं, तो बनने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं F1 जनरेशन के अंदर हमको यहाँ पे मेटरनल इफेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि जीनोटाइप कैपिटल डी और स्मॉल डी यानी कि हेटरोजाइगस फॉर्म है और कैपिटल डी जो है वो एक प्रभावी डेक्सट्रल कॉइलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, लेकिन बनने वाली जितनी भी संततियाँ होती हैं उनके अंदर माता का प्रभाव या मेटरनल इफेक्ट देखने को मिलता है और सभी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सिनेस्ट्रल कॉइलिंग शो करते हैं। पुनः अगर F2 जनरेशन के अंदर हम देखते हैं तो बनने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं वो सभी सिनेस्ट्रल होते हैं, अगेन यहाँ पर हमें मेटरनल इफेक्ट देखने को मिलता है विच इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर कैपिटल डी डेक्सट्रल कॉइलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अगेन कैपिटल डी स्मॉल डी जो है वो डेक्सट्रल कॉइलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और स्मॉल डी जो है वो सिनेस्ट्रल जीव को उत्पत्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन देखने पर सभी सिनेस्ट्रल यानी कि लेफ्ट कॉइलिंग शो करते हैं। F3 जनरेशन के अंदर पुनः हमें यहाँ पर डेक्सट्रल जीन का प्रभाव देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द लेट कॉइलिंग और डिलेड इन द कॉइलिंग पैटर्न। इन्फेक्टिव पार्टिकल्स की इनहेरिटेंस का हमें एक और उदाहरण पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। पैरामीशियम ऑरेलिया में कोशिका द्रव्य वंशागति के क्षेत्र में कई सारे अनुसंधान हुए। पैरामीशियम एक छोटा एक कोशिकीय प्राणी है जो कि तालाबों पोखरों गड्ढों में पाया जाता है और ये कॉन्जुगेशन के द्वारा लैंगिक जनन करता है। इसके अंदर संयुग्मन विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और इस रिप्रोडक्शन के अंदर मेटरनल इफेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है। एक पैरामीशियम के अंदर दो प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं, किलर स्ट्रेन एंड सेंसिटिव स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन के अंदर या इस घातक स्ट्रेन और सुग्राही किस्म जिसे हम कहते हैं किलर स्ट्रेन के अंदर एक घातक पदार्थ उत्पन्न किया जाता है जिसे पैरामेसिन कहते हैं। पैरामेसिन की जो वंशागति है उसे कप्पा पार्टिकल के द्वारा निर्धारित माना जाता है। एक पैरामेशियम को घातक होने के लिए कम से कम 400 कप्पा पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। कप्पा पार्टिकल जो है इन्हें हम के फैक्टर्स के द्वारा डिनोट करते हैं एंड दीज के फैक्टर दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। कप्पा पार्टिकल की वंशागति को अध्ययन करने के लिए अगर हम मादा जो है वो यहाँ पर हम मादा और नर के अंदर विभाजन नहीं कर सकते या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। किलर स्ट्रेन के अंदर कैपिटल के होमोजाइगस पाए जाते हैं और ये स्मॉल के सेंसिटिव स्ट्रेन होता है। अगर दोनों के अंदर कॉन्जुगेशन या सेगमेंट की प्रक्रिया के अंदर जीव द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हुआ हो, देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म इन बोथ द ऑर्गेनिज्म, अगर साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान नहीं होता है तो कप्पा पार्टिकल्स जो कि साइटोप्लाज्म के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाय द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इस वजह से किलर स्ट्रेन जो है वो किलर स्ट्रेन बनाती है और सेंसिटिव स्ट्रेन जो है वो सेंसिटिव स्ट्रेन बनाती है। किलर स्ट्रेन का वापस विभाजन के द्वारा किलर और सेंसिटिव स्ट्रेन बनते हैं और सेंसिटिव स्ट्रेन जो है वो सेंसिटिव स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन में ही डिवाइड होती है। अनुदैर्ध्य विभाजन यानी कि ट्रांसफ़र अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये स्ट्रेन आपस में डिविजन होते हैं। मेटरनल इफेक्ट को वापस देखने के लिए कप्पा पार्टिकल को अगर हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए कॉन्जुगेशन करवाते हैं जिसके अंदर देर इज एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म, तो जो सेंसिटिव स्ट्रेन है वो भी किलर स्ट्रेन में परिवर्तित हो जाती है। किलर स्ट्रेन से यानी कि जो बनने वाली ऑफस्प्रिंग होती है उनके अंदर सभी जो प्राणी होते हैं वो किलर स्ट्रेन शो करते हैं यानी कि हैविंग कप्पा पार्टिकल्स इन देम, और किलर स्ट्रेन जो है वो वापस अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि बाइनरी फिशन के द्वारा किलर और सेंसिटिव स्ट्रेन बनाती है। अगेन द किलर स्ट्रेन इट डिवाइड टू फॉर्म द वन किलर स्ट्रेन एंड अनदर वन द सेंसिटिव स्ट्रेन।
यानी कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करता है। इसी तरीके से मिराबिलिस जालापा के अंदर प्लास्टिक इनहेरिटेंस को देखा जाता है। यहाँ पे भी हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को क्लियरली देख सकते हैं। एक हम मिराबिलिस जालापा के अंदर तीन प्रकार की पत्तियों का कलर पाया जाता है। एक प्रकार की पत्तियाँ जो होती है वो पूरी तरीके से ग्रीन होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए कैपेबल होती है, यानी कि उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जा सकती है। ग्रीन पत्तियों वाली शाखाओं के फूलों से केवल हरी पत्तियों वाली संतत्तियाँ बनती है। इसी प्रकार से एक जो शाखा होती है उसके अंदर सफ़ेद पत्तियाँ पाई जाती हैं और सफ़ेद पत्तियों वाली शाखाओं से सिर्फ सफ़ेद पत्तियों वाली संतत्तियाँ बनती है। ग्रीन और वाइट क्या जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर पत्तियाँ पाई जाती है, जिसके अंदर मिली जुली रंग वाली पत्तियाँ वाले पौधे बनते हैं। इन्हें हम वेरिएटेड लीफ कलर कहते हैं। अगर हम एक ऐसी फीमेल लें जिसके अंदर ग्रीन कलर्ड वाली लीफ प्रेजेंट होती है और इसका अगर हम क्रॉस करवाएं विद द ग्रीन वाइट एंड वेरिएटेड डिफरेंट टाइप ऑफ मेल्स, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी जो F1 जनरेशन के अंदर जितनी भी संतत्तियाँ बनती है वो सभी ग्रीन कलर वाली लीफ वाली होती है, क्योंकि जो माता के अंदर प्रभाव है वो ग्रीन लीव्स के लिए है, इसलिए सभी संततियों के अंदर ग्रीन लीफ पाई जाती है। सो वी कैन से दैट द कलर ऑफ लीफ इज इनहेरिटेड बाय द फीमेल्स साइटोप्लाज्म। अगर वाइट कलर वाली लीफ की फीमेल अगर हम यहाँ पर लेते हैं और इसका अगर हम क्रॉस करवाते हैं ग्रीन वाइट या वेरिएटेड लीफ वाली मेल के साथ में, तो हम देखते हैं कि सभी जितनी भी ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं या संतत्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनके अंदर वाइट कलर वाली लीफ पाई जाती हैं। इसी तरीके से वेरिएटेड को अगर हम वेरिएटेड लीफ वाली फीमेल लेकर के उसका क्रॉस अगर हम वाइट ग्रीन या वेरिएटेड मेल्स के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर जनरेशन प्राप्त होती है ग्रीन वाइट एंड वेरिएटेड इन वेरिस रेशियो, यानी कि जितना भी प्रभाव होता है वो माता के लक्षण का प्रभाव दिखाई देता है। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक DNA इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर DNA। न्यूक्लियर DNA के कंपेरिजन में साइटोप्लाज्मिक DNA के कुछ मुख्य लक्षण जो हैं वो इस प्रकार के हैं। द साइटोप्लाज्मिक DNA इज ऑफ टू टाइप, क्लोरोप्लास्ट DNA एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA। साइटोप्लाज्मिक DNA जो है वो दो प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला DNA एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला DNA। द साइटोप्लाज्मिक DNA इज यूजुअली सर्कुलर, जबकि जो न्यूक्लियर DNA होता है वो मोस्टली लीनियर होता है। कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर DNA जो होता है वो सर्कुलर होता है, और इसी तरीके से प्रोटोजोआ के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक DNA होता है वो लीनियर होता है। द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट DNA एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA कंटिन्यूज थ्रू आउट द सेल साइकिल। क्लोरोप्लास्टिक DNA और माइटोकॉन्ड्रियल DNA का जो सिंथेसिस है वो पूरे सेल साइकिल के दौरान कंटिन्यू रहता है, जबकि न्यूक्लियर DNA का जो सिंथेसिस होता है वो इंटरफेज की खाली एस अवस्था या सेल साइकिल की जो एस फेज होती है उसी के दौरान किया जाता है। साइटोप्लाज्मिक DNA रेप्लिकेट्स बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन कंजर्वेटिव फैशन। जो साइटोप्लाज्मिक DNA और क्लोरोप्लास्टिक DNA उसका जो सिंथेसिस होता है या रेप्लिकेशन होता है वो कंजर्वेटिव फैशन के अंदर होता है, जबकि जो न्यूक्लियर DNA होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो करता है। बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर DNA दे आर लाइबल टू म्यूटेशन, दोनों के अंदर ही म्यूटेशन का प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक DNA हो चाहे वो न्यूक्लियर DNA हो। म्यूटेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक DNA लीड्स टू चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द प्लाज्मा जीन्स। न्यूक्लियर DNA साइटोप्लाज्मिक DNA के अंदर म्यूटेशन होने से प्लाज्मा जीन्स का जो प्रभाव है वो चेंज हो जाता है, जबकि न्यूक्लियर DNA से के अंदर म्यूटेशन होने से न्यूक्लियर जीन का प्रभाव परिवर्तित होता है। साइटोप्लाज्मिक DNA इज कैपेबल ऑफ कोडिंग फॉर RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस लाइक न्यूक्लियर DNA। साइटोप्लाज्मिक DNA जो है वो भी न्यूक्लियर DNA की तरह ही RNA एवं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कैपेबल होता है। थैंक यू।